कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंदे हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ कैसे मिले कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, अदाब, वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी शख्स से जुड़ने वाली है जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से लोगों को मंत्र मुक्त किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिंगर, कंपोजर एंड तबला प्लेयर राहुल देव पंकज जी की। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनके इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। महादेव, हर हर महादेव सर। और कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। जी मैं अच्छी हूँ। एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो। देखिए, मेरे क्या, अगर कोई भी संघर्षरत कलाकार, बिजनेसमैन, पढ़ने वाला और कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता होगा करता है, तो ऐसे में सबके सामने चुनौतियां तो आती हैं। और जब चुनौतियां आती हैं तो आप जैसे संस्थाएं, आप जैसे लोग और बहुत से समाज में ऐसे लोग मिल जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीच और उनके सहयोग, दोस्त खास तौर से, तो हमारे जिंदगी में आता रहा है हमेशा। तो कभी न कभी होता कि हर विकट स्थिति में किसी किसी का ऐसा साथ मिला है और इस समय भी है। तो खास तौर से जब जब थोड़ी कहीं बहुत निराशा, चूंकि जिंदगी आशा और निराशा की होती है, जब जब कहीं भी आशा निराशा होती है तो निराशा के बाद कोई ना कोई मिल जाता है। तो मैं लकी इस मामले रहा कि हमेशा मुझे मिलता रहा और फिर कोशिश में करता रहा। और सफलता का मापदंड कोई तो रख नहीं सकता, लेकिन दिन ब दिन सफलता ही मिल रहा है। मैं आगे ही बढ़ा हूँ, पीछे नहीं गया। तो ये सभी दोस्तों को, सभी अपनों को, सभी बड़ों को, सभी गुरुजनों को, खासतौर से हमारे गुरुजी पंडित कुमार लाल मिश्रा जी, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, शिक्षा दिया, डॉक्टर विद्यानंद उद्गल जी और हमारे बड़े अभिन्न संबंधी में से पंडित सूर्य कुमार दीक्षित जी, इन सबों ने हमें खूब सहयोग किया और हमारे खास मित्र ने बहुत ही बल दिया, जिसका मैं जिंदगी भर एहसान मंद रहूंगा। और माता पिता का आशीर्वाद तो ब्लेस आप सभी का तो रहता ही है। जरूर, क्योंकि हम लोग खासतौर से, मैं, हमारे आराध्य हनुमान जी हैं, माता सरस्वती की उपासना हम लोग करते हैं और भोलेनाथ भक्त के दरबार के हैं ही काशी के, तो हनुमान जी की आराधना मैं सबसे पहले करूंगा भगवान गणेश का नाम लेकर के। अतुलित बल धाम प्रेम शैला सकल गुण निधान बाल रघुपति प्रिय भक्त
परम प्रिया परम प्रिया जाके भक्ति सकल जगत में सकल जगत में हर भक्ति से परम प्रिया परम क्या बात है सर, क्या बात है सर, आपकी आवाज सुनकर मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई हूँ। आपकी आवाज बहुत ही कमाल की है और इसलिए मैं आपका भी बचपन की ओर ले जाना चाहूंगी। आपका बचपन कैसा रहा है और बचपन तो स्वाभाविक है कि संगीत के माहौल में था, लेकिन संगीत का कोई प्रोफेशनल संगीतकार हमारे घर में नहीं थे, लेकिन संगीत पुस्त से था, दो तीन पुस्त, चार पुस्त जहाँ तक मुझे जानकारी है। क्योंकि हमारे घर में एक बहुत पुराना एक वाद्य यंत्र पड़ा था, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो क्या है, तो अपने बाबा से पूछा, वैसे धूल उल खाया हुआ, तार टूटा हुआ, कि ये तुम्हारे परदादा बजाया करते थे, ये इसराज वाद्य है, बहुत प्राचीन, इसका मतलब संगीत पहले से था। और गांव के और भी बड़े बुजुर्ग बताया करते थे कि आपके यहाँ कंसर्ट हमेशा हुआ करते थे और अच्छे अच्छे कलाकार आया करते थे और बैठक हुआ करती थी और
दिल से हम सब लोगों को बुलाया जाता था, खिलाया पिलाया जाता था, भोजन पानी भी मिलता था और खूब प्रोग्राम होता था और हम लोग आनंद लेते थे। और हम लोग के बचपन भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि जैसा कि मैं आज कहता हूँ कि हर घर में होना चाहिए, हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ हुआ करता था संगीतमय। उसमें गांव देश के जो लोग होते थे, सब फार्मर्स होते थे और वरिष्ठ नागरिक भी जो संगीत से प्रेमी, संगीत से प्रेम रखते थे, वो आते थे घर पे और बकायदा दीपक वगैरह जलाया जाता था और पूजा होती थी और रामायण सुंदरकांड खास तौर से 11 दोहा 15 दोहा कभी कदार पूरा भी हुआ करता था। तो ये कीर्तन भजन का माहौल था। और हमारे बाबा जो है, बड़े बाबा स्वर्गीय श्री कृष्णानंद जी, उनका आशीर्वाद रहा जो उन्होंने सरस्वती मंदिर के निर्माण में भव्य सहयोग किया, वो बाद में संत हो गए थे। तो संगीत वहीं से आया। फिर पिताजी तो आपने देखा ही था, आपने एक बार इंटरव्यू लिया था कि वो अच्छे राइटर, अच्छे साहित्यकार, अच्छे कलाकार भी हैं, तो उन सबों का आशीर्वाद। और हमारे बाबा, वो खुद भी, जब मुझे अच्छी तरह याद है कि सुबह सुबह घर में, चूंकि गांव खेती बाड़ी बड़ा घर था और उसमें गाय को चारा वगैरह देना चला था, तो भैरवी वगैरह गाया करते थे, गाते रहते थे, राग वगैरह गाया करते थे, तो कहीं ना कहीं जेनेटिक ही रहा है। लेकिन यह है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सब घर में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो मेजर भी हैं अभी नई पीढ़ी में, तो ऐसे ही लोग रहे हैं। तो प्राथमिक शिक्षा भी आप पूछेंगे तो बचपन में प्राथमिक शिक्षा डॉक्टर एस पी श्रीवास्तव जो दंत चिकित्सक हमारे चाचा हैं, उनसे थोड़ी बहुत बांसुरी की शिक्षा, हमारे बड़े चाचा हैं आर सी श्रीवास्तव बैंक में उनसे, और छोटे चाचा जी हमारे बंजो बड़ा अच्छा बजाते, तो परिवार संगीत में ही रहा, तो उसका देन रहा। फिर मैं कायदे से शिक्षा लेना शुरू किया, पंडित गुदई महाराज जी के घर में सबसे पहले तबला उनके ज्येष्ठ पुत्र पंडित कुमार लाल मिश्र से, और फिर शिक्षा दीक्षा अकेडमिक भी रहा काशी विद्यापीठ से एम ए, और उसके बाद वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, वहाँ पर भी आशीर्वाद मिला डॉक्टर प्रवीण उद्धव सर का और बाहर से डॉक्टर जे पी सिंह जी का। बहुत लोगों ने मुझे, मेरा व्यवहार ऐसा था, विनम्रता ऐसी थी, सब लोग कुछ ना कुछ आशीर्वाद दे ही देते थे और दिमाग शार्प था, और इसीलिए ना लोग कहते हैं कभी कभार मुझे, हमारे फ्रेंड सर्किल लोग चिढ़ाते हैं, गाना भी गाते हैं और बजाते हैं कैसे संभव। हमने कहा कि चूंकि उसी में लीन रहता हूँ, थोड़ा सा ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले का करम है तो मिल गया, बस ऐसे ही सब लोगों का प्यार आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद खासतौर से, ऐसे जी, ये बचपन से रहा, इसीलिए खुश हो पाया जी। और कहीं ना कहीं स्वामी का काशी में पैदा हुआ हूँ, और तो भगवान शंकर की कृपा तो होनी है, और भगवान शंकर के आराधना अगर सच्चे मन से की जाए तो हकीकत में काशी से कोई निराश नहीं हो सकता, चाहे गीत हो संगीत हो, सच्चे मन से आराधना करके अपने कर्मों में लगा रहे, थोड़ी देर हो सकती है। और आप तो जानती हैं, चूंकि मैं किसी संगीत में माहौल में तो था, लेकिन मेरा संगीत का कोई घराना नहीं है, संगीत के घराने में शिक्षा भी हुई और फिर भी कोई बना बनाया फील्ड तो था नहीं, फिर भी अच्छा ही है, यहाँ भी हुआ और बाहर भी हुआ, तो कुछ अच्छा ही है और संतोष भी है, और आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। और आप कहती हैं, सभी कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश जारी है और मिल भी रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं, खासतौर से सोसाइटियों को देखते रहते, जितना मैं एक्टिव रहता हूँ, एक्टिव ओरिजिनल रहता हूँ, ऐसा नहीं जो कुछ है प्रत्यक्ष है, कोई दिखावा नहीं है, सब कुछ सही है, तो ऐसा है। तो दोनों विधा होने से मुझे लाभ भी है, अपने एक स्कूल में मैं म्यूजिक टीचर हूँ और वहाँ पर भी बड़ा प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिला और आगे भी मिलता रहेगा, तो ये सब अच्छा है, संगीत की वजह से भी मिल रहा है ना, तो सबके गुरुजन के आशीर्वाद से ही मिल रहा है, यही मैं मानता हूँ जी जी। और म्यूजिक की अगर बात करें तो म्यूजिक की बात करें तो ये सफर कितना मुश्किल था आपके लिए? साधना मैं आपको बताऊं बहुत विकट है, सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि 10 घंटे 5 घंटे 8 घंटे अभ्यास करने के बाद, और मैं पंडित अजय चक्रवर्ती जी को बहुत सुनता हूं और पंडित जसराज जी को तो नजदीक से बहुत सुना हूं, तो सब लोगों का, जब आप सुनते हैं श्रवण की विद्या है तो कुछ ना कुछ मिलता रहता है, ये तो सही है। तो 8 घंटा 7 घंटा अभ्यास करने के बाद भी हमारे गुरुजन कहा करते थे कि आप हो सकता है इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, कोई बुरा नहीं मानेगा, ये गुरुजन की बात मैं कह रहा हूँ, जरूर नहीं कि 7 घंटा अभ्यास करने के बाद भी आप संगीतकार बन जाए, आपके साथ भाग्य भी आपका होना चाहिए, इसके बाद
गुरुजन का सही शिक्षा आशीर्वाद खुद का रियाज, देन ऊपर वाले का जब कर्म हो जाए, बिना ऊपर वाले के कर्म के कुछ नहीं होता है। बहुत लोग कम करके भी बहुत अच्छा कर पाते हैं, बहुत लोग ज्यादा करके भी नहीं मिलता, कभी कदार सुर नहीं मिल पाता है, कभी कदार हम लोग से भी ऐसा स्टेज पर अपना कोशिश ही कर रहे हैं नहीं लगता है। मतलब ईमान के चलिए ईश्वर की अवतारणा करने के लिए ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा। अब एक बच्चे की तरह से रोना पड़ेगा, कभी कदार लोग कहते हैं आप बहुत भावुक हैं, लेकिन ये बात भी हमको अक्सर सुनने को मिलता है। अभी इधर में बहुत मैंने स्टेज किया, बहुत किया, लगातार किया, लगभग सभी पर ये बात कही गई व्यक्तिगत तौर पर मुझे फोन करके भी कि आपके गाने में फीलिंग्स बहुत है। हालांकि मैं अभी अकेले बैठा हूँ और सेमी क्लासिकल के लिए थोड़ा सा सहयोगी कलाकारों की कोडिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है, लोग नहीं आ पाए किसी कारण, चूंकि आपका टाइमिंग बड़ा फिक्स होता है। अभी मैं हमारे कुछ जापानी मेहमान आए हुए थे उनके साथ था, मैं फिर उनको छोड़ के तुरंत चला आया कि रीड्स का जो है टाइमिंग बड़ा फिक्स रहता है, तो टाइम का पंक्चुअल होना जरूरी। मैं आ गया था एक्यूरेट समय पर ऑफिस पर, तो यही है जी। और से आगे क्या सुनाने वाली हो आप? हाँ, अब अगर आप सुनना चाहेंगे तो अब मैं बहुत से चीजों को खुद कंपोज करके गाता हूँ, भंडार तो बहुत है, लेकिन अब वक्त पर जो याद आ जाए तो एक मेरे पास एक बुक पड़ी थी मीना कुमारी की गजल लिखी हुई, तो उसको मैंने कंपोज किया, तो मैं उसको सुनाना चाहूंगा। मैं बहुत से कंपोजिशन चाहे सूरदास जी की हो, कबीरदास जी की हो, और भी ब्रह्मानंद जी की, तो भजन भी और बहुत से लोगों के गजलें, गजल को हमको सिखाने में खास योगदान रहा है हमारे उस्ताद जो है हमारे अजहर भाई के मित्र पिताजी, हमारे पिताजी के दोस्त अफजल खान साहब, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे। तो वो सारी चीजें मिलके बिना सीखे और बिना बड़ों के आशीर्वाद के तो कुछ संभव नहीं है, वो सारी चीजें रही हैं। तो मैं आपको एक गजल मीना कुमारी की जो है मंत्रा सुनाता हूँ, मैंने कंपोज किया है। चांद तन्हा है आसमान तन्हा, दिल में मिल गया है कहाँ कहाँ तन्हा, बुझ गई आज छुप गई तारा और थर थराता रहा धुआं तन्हा, और जिंदगी क्या इसी को कहते हैं जिस्म तन्हा जान तन्हा। तो उनका अपना कुछ रहा है और जो जैसी स्थिति होती है अपने कलम से उकेरा उन्होंने, मुझे अच्छा लगा, जो मुझे अच्छा लगता है, जो सुकून देता है, तो मैं कुछ कर लेता हूँ। Oh,
जिंदगी क्या जिंदगी क्या इसी जिंदगी क्या इसी हम सफल पल कोई मिले भी कभी हम सफल पल कोई मिले भी कहीं दोनों चलते रहे दोनों चलते रहे राह देखा करेगा सजीवों तक राह देखा राह देखा करेगा सजीवों तक राह देखा करेगा सजीवों तक क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंपोज किया है सर। और सर कंपोजर भी हो तो मैं हाँ थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि कितना मुश्किल होता है कंपोज करना गजल को। जी देखिए, कंपोजर के सबसे बड़ी हमारे पिताजी से मैंने सीखी, और अक्सर हमारे गुरुजी जब कभी बाहर प्रोग्रामों में जाया करते थे तो उनके साथ बैठते थे, तो कभी ट्रेन लेट हो गई तो हमने कहा देखिए आपका वैसे ट्रेन छूट गई, तो बोलते हैं कि छूट गई तो दो घंटा मौका मिलेगा, अब तुम अपना गजल सुनाओगे मैं टाल दूंगा। तो उन लोगों का एक सिखाने का, बड़े बुजुर्गों का एक तरीका था, गुरु में जो रम गया वही कुछ पा सकता है। जानते हैं इस बात का हम लोगों को बचपन से पता है कि गुरु ही सब कुछ है हमारे क्षेत्र में, है ना। तो उसकी सेवा और किसी से भी जिंदगी में कुछ भी लिया, ठीक है एक जगह प्रॉपर में शिक्षा हो, लेकिन किसी से कुछ लिया तो वो भी तो गुरु है ना। तो उनकी सेवा में नतमस्तक रहना हमारा धर्म है, विनम्र रहना, विनम्र तो रहना ही चाहिए, इसका पहला सीढ़ी है। विनम्रता आपके पास नहीं है तो आप किस बात के कलाकार हैं। प्राउड तो कोई स्थान ही नहीं है, यहाँ छोड़ दीजिए कहीं स्थान नहीं, तो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, खुदा न करे कि कभी ऐसा हो, कभी हो तो परमपिता परमेश्वर तुरंत उसका आभास कराए कि अपना क्षमा याचना करके हम अपने आप को उससे दूर कर लें, उस घमंड से कभी ना ऐसा हो। मैं नाचीज ही सही, छोटा ही सही, लेकिन वह नहीं चाहिए ऐसा मेरा भाव है। अब भाव नहीं तो संगीत कहाँ, लाख लोग कहें कि मैं भावुक नहीं हूं, कभी कोई जिसके अंदर भाव नहीं वो संगीत तो नहीं कर सकता। और संगीत नहीं, फाइन आर्ट्स हो, चित्रकारिता और शिल्पकारिता, कास्ट, कोई भी कला तो नहीं कर सकता ना, भाव नहीं तो कैसे उतरेगा। बिना भाव के तो भगवान भी आप नहीं पा सकते। हालांकि इस मामले में मेरी कमजोरी हो सकती है, हम कलाकारों की, हम अपनी नहीं कह रहे, हम कलाकारों की कमजोरी हो सकती है,
और हमारी कुछ ज्यादा ही है, तो कोई उस भावनात्मक लाभ भी उठा लेता है। तो फिर भी सोचता हूँ कि एक बार भगवान कृष्ण ने कहा कि छल करना पाप है, छला जाना थोड़ी पाप है, तो जो छला गया वो कुछ कौन सा पाप किया, तो उसको तो भगवान श्री हरि ध्यान देंगे ही और ध्यान देते हैं। इसको मैंने महसूस किया है कि वाकई में ध्यान देते हैं, हम ना समझ हैं या ना समझ थे कभी कि नहीं समझ पाते हैं, तो जब उसका साथ है तो फिर आप लोगों का भी साथ आराम से मिल ही जाएगा, सब पा ही जा रहा हूँ, इसके लिए सबको हृदय से धन्यवाद। जो आया हमारे पिताजी और गुरुजी की कृपा से, देखिये उन पिताजी ने कहा कि सबसे पहले शब्दों का जो आपके पास आया है, किसी ने भेजा है, तो उसको आप बखूबी पढ़िए, उसके बाद उसका अध्ययन करिए कि वो क्या कह रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या कह रही है, फीलिंग्स के अनुसार आप फिर कंपोजिशन मन में ढालिए, उसको बनाइए, और बनाने के बाद फिर लोगों को सुनाइए भी। हो सकता है आपको वो चीज बहुत अच्छी है, परंतु हो सकता है कि कुछ जिसने आपको कंपोज करने के दिए उसको अच्छी ना लगे, तो एक दो तीन बनाइए, तो उसमें से कोई अच्छी बात निकल जाती है, और हृदय से एकदम सच्चाई से निकली हुई बात तो अच्छी होती है। और मैं इस बात का वरदान है, मैंने जानता हूँ इस जन्म में बहुत पुण्य के काम किया हूँ, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इस बात का मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मालिक तूने कुछ दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इतनी समझ भी तो दे देना चाहिए था उसको, तो कारसाज इतनी समझ किसी को नहीं देता है, तो इतना है उसका कर्म बहुत है, वो बात निकली हुई बात कभी गलत नहीं होती मेरी, तो इसके लिए सब लोग पढ़ते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार इन लोगों का भी दुआ सलाम कर लीजिए, मेरे सबसे छोटे स्टूडेंट हैं, एक बार मैं चाहूंगा हमारे संस्थान में आप, मैं ये विवान है, नमस्कार कर बेटा, ये उनके भैया करण हैं, ये बच्चे देखिए सब बच्चे बड़ा अच्छा बजाते हैं, प्रियंका जी हैं, गृहस्थी मिला के बहुत अच्छा गायन करती है, चंदन पांडे हैं, ये अंशल प्रताप जी हैं, और हमारे साथ सहयोगी ग्रुप में ऋषि सर जी हैं, और फिर मैं आपके सामने हूँ, और जी जी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सब जी। आप ये भी देख लें कि मैं अपने संस्थान में कलात्मक संगीतालय में ही बैठा हूँ, है ना जी जी, और इसके जी, बारे में भी हम जानना चाहेंगे, स्थापना कैसे हुई है जी। एकाएक जो है हकीकत में कलात्मिका मेरे बेटी का नाम है, और हमारे एक प्रोग्राम मैंने बजाया था, एक आर्टिस्ट है वहां पर शुक्ला जी, प्रोफेसर आत्मा है, कलात्मी का नाम रखिए उन्होंने, तो फिर के नाम पर सारा कुछ चलता रहा और थोड़ी थोड़ी सफलता मिलती रही, तो हमने कहा कि भाई बेटियां जिस घर में हैं तो खुशी भी है, और उसी की वजह से मेरे अंदर बहुत हिम्मत आया, और बाद में थोड़ी आशा निराशा लगी, तो हमारे मित्र जो है हम बहुत सहयोग किए, हिम्मत दिए, और उनका भविष्य में सहयोग मिले ना मिले, चूंकि कभी कदार वैचारिक मतभेद की वजह से अपने काम की वजह से दूरियां बनती हैं, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ दिया है, कुछ हिम्मत दिया है, कुछ आध्यात्मिक हिम्मत दिया है, और वो बात अलग बात है कि कभी कदार हमारी बातों को लोग नहीं समझ पाते हैं, उस सौहार्द को, उस आध्यात्मिक भाव को स्वीकार नहीं कर पाते हैं उसको, अब जिसकी जितने कैपेसिटी होती है ना उतना ही समझ पाएगा, फिर भी मैं सबका एहसान मानता हूँ जिसने भी जीवन में थोड़ा सहयोग किया है, हमारे सहाय सहपाठी हो चाहे हमारे मित्र यार हो, और बड़ों को मैं नहीं कहता हूँ, बड़ों को तो ब्लेस रहेगा ही तभी तो कुछ कर पाएगा, पहले ही मैंने ये बात कह दिया, तो खास तौर से कभी कदार मित्र आकर्षण करते हैं जीवन में, फिर बहुत हिम्मत दे देते हैं, और बीच में मैं रियल में कोरोना के बाद, चूंकि कोरोना काल में हमारे सबसे ज्यादा दोस्त सबसे ज्यादा सहयोगी मेरे छोटे भाई एक्सपायर कर गए कोरोना में, तो परिवार टूट गया, तो फिर उससे संभलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मेरे एक दोस्त का सहारा ऐसा मिला जिसने मुझे इमोशनल बहुत सपोर्ट किया, और हमारे शिष्यों ने जो हमारे साथ सपोर्ट किया, खासतौर से शिष्याओं सभी ने, नहीं तो मैं थोड़ा मैं महसूस कर रहा था कि मैं टूट रहा हूँ, चूंकि कलाकार किसी से कुछ कहता नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों और कर्मों में लगा रहता है, कि कलाकार जल्दी जल्दी किसी से कुछ कहता नहीं है, और जिससे कहता है इसका मतलब वो उसके लिए बड़ा प्रिय ही होगा, ईश्वर तुल्य ही मानता होगा, तभी नहीं तो कहने की जरूरत नहीं है, तो हमारे शिष्य शिष्याएं और बहुत हेल्प करते रहे,
हमेशा तरीकेदार मैं यहाँ बड़ा भावुक पढ़ाते पढ़ाते भावुक हो जाया करता था, क्योंकि मेरे रियाज में ना 8 घंटा 7 घंटा रियाज करते जब खाली होता था तो भैया 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 ये खाइए, भैया ये जलेबी, ये दही खाएंगे तो थकत होगी, तो ऐसे होगा वैसे होगा। वो मतलब भाई था कि लक्ष्मण ही था वो, मैं राम तो नहीं था। मैं आज भी कहता हूँ पता नहीं क्यों इतनी आध्यात्मिक शक्ति मेरे पास है, इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ प्रभु मैं तो राम नहीं हूँ, लेकिन मेरा भाई तो लक्ष्मण था। मेरी माँ तो हमेशा सपोर्ट करती रही। एक बार अभ्यास कर रहा था मैं, हमारे गुरुजी ने बताया कि लकड़ी का चमड़े का मड़ा हुआ तबला नहीं था, तो उस पर अभ्यास कर रहा था तो मुझसे डर डर के निकल नहीं रहा था, तो मैं रोने लगा था, उनके सबसे बचता मुझसे बचता नहीं। तो मेरी माँ बोली कि एकदम ठेठ भाषा में, अरे कायर हो रहा रे, माँ तो माही और कायर हो रहा रे, एकाएक बड़ा तू हो गया था क्या, धीरे धीरे बड़ा हुआ था ना, कितनी बड़ी शिक्षा थी, जबकि वो संगीत से कहीं नहीं है, कितना बड़ा शिक्षा है, मैं सबने शिष्याओं को विषय करता, कायर हो रहा है रे तुम, एकाएक बड़ा थोड़ी हो गया था, धीरे 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 बड़ा हुआ था, वो आएगा। तो आखिर बाद में हम लोग कहते हैं यहाँ पर पंडित राम जी मिश्र बीचू में थे, तबला के दिग्गज विद्वान, तो उन्होंने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया और बड़ा सहयोग, मतलब बड़ा सराहा। एक बार उनके सामने धीरे धीरे में तबले बजा रहा था, तो कभी तबला भी सुनाऊंगा, आप दोनों चीज नहीं हो पाता है, तो बड़े अच्छे जगह जाने लगा, तो मुझे बड़ा सराहना मिली। तो आज बड़ों के आशीर्वाद से जो भी चल रहा है मेरा अपने से ही चल रहा है, अपना ट्रैक खुद बिछाता हूँ और मैं फिर चलता हूँ, मैं ट्रैक खुद बिछाता हूँ फिर चलता हूँ, तो मुझे अपनी ट्रैक बिछानी है, चलनी है, बनी बनाई ट्रैक हम लोग पास नहीं है, फिर भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो नहीं होगी, हारने हुए हार तो नहीं हुई, थोड़ी रुकी, कभी कभार रुकती है, हारती नहीं है, फिर निकल जाती है गाड़ी। जी 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 राइट सर, और जो कोशिश करते हैं जो कोशिश करते हैं उनकी तो कभी हार। और सर आगे क्या सुनाने वाले हो, आगे क्या सुनाने वाले हो आप? आगे मैं एक चीज आपको, मैं एक देखिए यहाँ चूंकि मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ कि जैसा मुझे अवसर मिलता है वैसा कोशिश करके गा लेता हूँ और बजा भी लेता हूँ, और बहुत से इंस्ट्रूमेंट हैं, स्पेशलाइजेशन मेरा तबले और गायन में है, स्पेशलाइजेशन जिसे कहा जाए, जिसे मुझे हक से कुछ करने का अधिकार है या मैं कोशिश करता हूँ, बाकी पता नहीं ऊपर वाले का ऐसा कर्म, गिटार भी आएगा हाथ में तो बोलने लगता है, और क्या बोलते हैं ढोलक नाल तो अपना रिदम का काम पखावज बोलता ही है, इसके अलावा बांसुरी, बांसुरी भी मुझसे बच जाती है, मतलब आनंद मिल जाता है लोगों को और हमें भी, बस इतना है, लेकिन स्पेशलाइजेशन गायन और इसमें क्या बोलते हैं तबले में ही है, तो इसी तरह से जैसा मंच मिलता है वैसा गाता हूँ। तो चूंकि पिताजी का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव रहा है संगीत, तो भाई उन्हीं लोगों का, चाचा जी को लोगों का रहा है, तो चूंकि बहुत प्रादेशिक भाषा के अच्छे राइटर मिस रहे हैं, तो काफी फिल्में उन्होंने बनाई, तो उनका एक गाना सुना रहा हूँ। भोजपुरी इतनी सुंदर भाषा है ना, मान के चले हिंदी की छोटी बहन है, थोड़ी चंचल है मेरे पिताजी, इसमें अश्लीलता का कहीं स्थान नहीं है, जो आज उन्होंने कर दिया। मैं दूसरे प्रदेश में प्रोग्राम में जाता हूँ तो भोजपुरी की बात आती तो उन्होंने कहा कि वो थोड़ा सा रफ, हम क्या रफ माने भोजपुरी नहीं होता है, कौन बताया, तो हम लोगों के नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम इसे दुनिया को बताएं, पिताजी का कहना है। बहिया छोड़ाई गोरी, बहिया छोड़ाई गोरी, रूठ के न जइहा कि बड़ा सारा मोर कइल आए मोर जियना, बड़ा सारा आए मोर जियना। बहिया छोड़ाई गोरी, बहिया छोड़ाई गोरी, बहिया छोड़ाई गोरी, की बड़ा सना मोर कइल आए मोर जियना, सना मोर आए चाहे जमाना के उल्टे हो रे किया, चाहे जमाना के, चाहे जमाना के हो
क्या बात है सर, क्या बात है सर, यही सब चीज़ें बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, आपको सुनकर बहुत चीजें लिखी उन्होंने और उनका कंपोजिशन बहुत ही मार्मिक होता है, स्पर्शी होता है और काफी अच्छा रहता है। तो मुझे जब घर में ही चीजें अच्छी मिल जा रही हैं तो उसको गाना चाहिए है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा है। और सर आपकी म्यूजिक है, बॉलीवुड म्यूजिक है, बॉलीवुड में आपको क्या राय है, आपकी क्या राय है? देखिए हम तो एक ऐसे कलाकार हैं और दुनिया के सभी संगीत को सुनते हैं, यानी जहां भी सुर है और जहां भी ताल है, जहां भी फीलिंग्स है वहां आर्ट है। अब आगे शब्दों में, अब देखिए हमारा जबान है, भगवान ने इसी जबान से भगवान राम का नाम भी ले सकते हैं, है कि नहीं? सीताराम भी बोली जा सकती है, महादेव बोले सकती है और इसी जबान से गाली भी दी जा सकती है। अब हम पर तय करता है कि हम क्या सुनना पसंद करते हैं। तो बॉलीवुड म्यूजिक तो एक नई एक प्रकार का सभी चीज तो नहीं कह सकता मैं, चूंकि हर बात सभी के लिए नहीं होती है और सभी कुछ सभी के सुनने लायक नहीं होती है, लेकिन सब कुछ सही नहीं है ये मैं नहीं कहता। मैं खूब सुनता हूँ और जरूरत पड़ने पर मंच पर मैं गाता हूँ, चूंकि प्रोफेशन इजाजत देता है कि भाई जिसके लिए आप गए हैं तो उनको सुनाना चाहिए ना। तो जरूर नहीं कि आप देखिए एक क्लासिकल कलाकार का या लोक संगीत भी या गजल गाने वालों को इस बात का भी इल्म होने चाहिए कि या तो एकदम ठोक परख के वहां जाए जहां पहले से तय होगा कि आपको यही करना ही है। अब स्वतंत्र फील्ड के फील्ड में गए हैं आप तो वहां पर कलाकार के सामने बैठे हुए लोग कैसे हैं इस बात की जानकारी 2000, 4000, 10000 लोग भी बैठे हैं तो उसमें कौन कैसा है इस बात को समझना, टेस्ट को समझना। हालांकि पहले से थोड़ा बहुत हिंट दिया रहता है और नाइजर की तरफ से, लेकिन वहां जाने पर बात बदल जाती है। तो हम लोगों को तो खैर सिखाया गया है कि जब जंग में चले गए हो तो जीत के ही आना, तो थोड़ी थोड़ी सारी चीजें रहती है। अगर कोई सुनना चाहता है तो छोटी छोटी चीजें रहती हैं, लेकिन यह है कि वहां पर एक सीमा हम कायम करते हैं और भद्दा शब्द या बहुत ही रफ हम अपने जबान से नहीं निकाल सकते। वो बात ठीक है कि आज के दौर में कभी कदार हम लोगों को ये सुनने को मिलता है कि देखो उसने
बहुत अच्छी शिक्षा तो नहीं ली, लेकिन कुछ भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करके आप भी समझ पा रही हैं इसको और कहाँ गया। हमने कहा ठीक है, वो जहाँ गया वहाँ गया, लेकिन मैं जहाँ जाऊँगा हम कलाकार जो अपने शालीनता, अपने संस्कृति, अपने भारत, अपने भारतीय संगीत की रक्षा करते हुए सीढ़ी दर सीढ़ी धीरे सही कम ही सही बढ़ रहे हैं, तो वो भगवान के दरबार तक जाएंगे। मानता हूं कि इस भौतिक जीवन में वो बहुत सफल हैं और हम लोग भी सफल हैं, ऐसा नहीं है। अब सफलता को कोई एक मापदंड तो नहीं रखा है ना, 2 लाख रुपया कमाते हैं तो 5 चाहिए, 5 कमाते तो 10 चाहिए, 10 वाला 50 करोड़ रुपया कमाने के सामने वाले। अब पैसे की बात कह रहा हूँ तो ऐसे समझो, तरक्की की बात कहूँ तो किसी ने 50 मंच किए, हम 20 ही किए तो 10 वाला हमसे ऊपर हम हैं, 2 मंच करने वाला 10 से नीचे है, तो ये तो कोई मापदंड नहीं है ना। आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए, तो आत्मसंतुष्टि तो बहुत होता है, वो तो हम कलाकार ही इस बात को समझ पाते हैं ना, और जो करता है। और एक चीज जरूर है कि कलाकार जब संगीत को इबादत बना लेगा, संगीत को इबादत बना लेगा, उसकी आराधना करेगा, तो यकीन मानिए वो निराश नहीं होगा। कभी निराशा होगी तो आशा के लिए कोई ना कोई हाथ बढ़ाएगा, एक तय है। और हमने हमें खुशी है कि हमने अपने हमें अच्छी तरह से अपने जहन में याद है कि हम जब से संगीत से जुड़े हैं बहुत लोगों को मैंने प्रमोट किया है, खूब मौका दिया है, खूब स्टेज दिया है, सॉरी। तो ये चीज मैंने किया है उम्र में, तो इस बात की खुशी होती है मुझे कि चलो भाई किसी के प्रमोशन के लिए भी तो काम किया है। अब आगे और भी सीढ़ियां हमारे कुछ लक्ष्य हैं, वो होने वाले हैं और अच्छे होंगे उम्मीद है कि, और उसका मैं आपको सूचना दूंगा इस सत्र के पूरा होते होते, जो हमारे स्टेप बाय स्टेप हैं, हमारे शिष्य, हमारे एक टीम भी है हमारे शिष्याओं को लेकर के, उसमें ये हमारा शिष्य भी नहीं आया, रुद्रांश प्रताप सिंह बहुत अच्छा तबला बजा रहा है, पानी दो यार। तो ये ऋषि जी हैं हमारे साथ और हम हैं, और दिल्ली से हमारी आर्टिस्ट हैं शालू जी हैं और रुद्रांश बाबू, 4 लोग अगर मंच पर बैठ जाएं तो हम ये पूछेंगे कि आप क्या सुनना पसंद करेंगे। ध्यान से सुनिए, हमने बना रखी है टीम, इसको उत्तर मिलेगा जल्दी, सब लोग समर्पित रहेंगे तब। समर्पण भाव बहुत जरूरी है और समर्पण का परिभाषा जानना जरूरी है, किस तरह से समर्पित है। तो अब देखिए, अगर मैं बैठूं स्वतंत्र वादन कोई हमसे सुनना चाहे तो ऋषि बाबू नगमा पर बैठते हैं, अच्छा गाते हैं, ये लहरा देते हैं हारमोनियम पर, मैं और रुद्रांश सोलो बजा सकते हैं। और यदि डांस करना है, सालू जी डांस पर है तो ये गायन और नगमा पर है, हम तबला उठ पर रहेंगे। यदि हम गायन पर हैं, रुद्रांश बाबू तबला, ये मेलोडी की मतलब ऑर्गन सिंथेसाइजर जो है कीबोर्ड पर हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्वतंत्र तबला वादन सुननी हो और या संगत में डांस का देखना हो या गायन है, इनका गायन होता तो मैं तबला बजा देता हूँ, रुद्रांश बाबू अपना सहयोगी तो है ही, तो मिला जुला के 4 कलाकार 5-6 आइटम। और तो जब मैं बैठता हूँ तो मैं सीधे बोलता हूँ कि पर्टिकुलर गाना पकड़ के मत बैठिए आप, यही वाला सुनना, तो इतने जेहन में हमारी मेमोरी इतनी बड़ी वाली नहीं है, लेकिन इससे आप कहिए गजल तो आप गजल बोलिए, तो गुलाम अली बोले तो सुना सकता हूँ, जजी सिंह बोले तो सुना सकता हूँ, मतलब मैं नहीं कहता हूँ उन लोग जैसा गा सकता हूँ, ये नहीं, तौबा करिए, लेकिन सुना सकता हूँ, निराश नहीं होंगे। आप भोजपुरी कहेंगे सुना सकता हूँ, सोहा कहेंगे सुना सकता हूँ, देवी गीत कहना सकता हूँ ख्याल कहेंगे सुना सकता हूँ, है ना। तो ये तो ऊपर वाले का कर्म ही है, हमारे गुरुजन का आशीर्वाद है और आप सबका भी प्यार है, दर्शकों का प्यार हमें बहुत मिलता है, है ना। मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो मुझे उसका बहुत प्यार मिलता है सुसाइड साइट पर, जबकि हमसे ज्यादा एस्टेब्लिश कलाकार है उन लोगों को उतना ज्यादा नहीं मिल पाता है, पता नहीं ऐसा क्यों मिलता है। तो ये विनम्रता है, लोगों का प्यार है, ये इस प्यार को मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है ना, प्यार को लोग समझ नहीं पाते हैं, प्यार फिजिकल है नहीं, हाँ, तो प्यार इबादत है, बस जो समझ ले प्यार को ना वो भगवान को पा जाएगा। तो मुझे मिला है तो ये तो प्रभु की कृपा है ना, है कि नहीं। मैं अपने लोगों से, अपने छोटे बच्चों को इतना प्यार करता हूँ, प्यार ही प्यार है ना, और है क्या दुनिया में। और वो प्यार ढाई अक्षर पढ़े सो पंडित हो वाली बात, और उसको लोग कैसे रिलेट कर देते हैं, उनकी अपनी सोच हो सकती है किसी की, लोगों की। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि क्या यार तुमको क्या पता, ये निःशुल्क मिल रही है, आपका इतना प्यार मिलता है हमें, अक्सर मैसेज आता, मैं करता हूँ 2-2 दिन बाद मैसेज, लेकिन करते जरूर, ये क्या है, ये प्यार ही है।
बिना इंसान एक सबसे श्रेष्ठ प्राणी तो प्यार ही प्यार है, और प्यार ईश्वर तक ले जाएगा। तो ये मेरी अपनी सोच है, जरूरी नहीं कि सही हो, कोई किसी सिद्धांत को थोपना नहीं चाहिए, ये मेरी फिलोसफी है ना, बाकी आपकी मर्जी, जैसा समझ गए। नया सवाल। जी जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, और सर जाते जाते हम आपसे एक भजन और सुना चाहेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे सर। अच्छा मैं सुनाता हूँ, एक भजन आपको सुनाता हूँ। भजन सुनाओ या जो भी सर, एक कबीरदास जी का चीज है, क्योंकि अकाट सत्य कहने वाले हमारे कबीर। अभी मैंने एक जगह कार्यक्रम किया, बड़ा सराहा गया, मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया गया, तो मैं एक छोटी सी चीज सुना दूं। मुझे नहीं है निराकार साकार दो ही ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं, और दोनों मार्ग एक ही जगह ले मोक्ष कर लेके जाता है, मोक्ष तक। मन लागा मेरो यार कभी सब पूरी मेरे मन का
दादा मेरे प्यारे मेरे दादा मेरे आखिर यह तन साफ मिलेगा क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। आपकी आवाज में जादू है सर, बहुत ही कमाल की आवाज है और हमारे साथ और हमारे साथ थैंक यू कहना चाहूंगी। और सर जी धन्यवाद देना चाहूंगी मैं, थैंक यू कहना चाहूंगी। धन्यवाद है जी, सबको ढेर सारा धन्यवाद, प्रणाम है जी जी। और सर हमारी ऑडियंस लाइन में आना चाहते हैं उन्हीं सर। हाँ जी, अच्छी बात है, हर जी हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ अनुभव रहता है और यहाँ सिर्फ सीखने की प्रक्रिया है। इन लोगों के सामने मैं गुरु हूँ, ये किसी और के सामने गुरु होंगे तो थोड़ा सा जो एक रास्ते के सब पथिक हैं, जो सबसे आगे है वो बहुत बड़ा गुरु, उससे पीछे छोटा गुरु, छोटा गुरु, छोटा गुरु। तो ऐसे धैर्य रखना इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उम्र और अनुभव के अनुसार लोग बड़े होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि धैर्य बहुत जरूरी चीज है, तुरंत कुछ नहीं होता। उसे ऐसे सीखें कि अपने एक छोटे से बच्चा पैदा होता है तो उसको हम बहुत ज्यादा डाइट दे करके और टू मच मिल्क, टू मच सब पिला उला खिला करके हम जल्दी जल्दी बड़ा नहीं कर सकते हैं। अच्छा सुविधा दे करके हम इम्प्रूव तो कर सकते हैं अपेक्षाकृत, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि चलो भाई डाइट बढ़ा दो तो वो महीने दो महीने में ही इतना बड़ा हो जाएगा और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। या पौधा लगाए मैंने तो मैं रोज देखूं, तीन चार दिन के बाद देखे कुछ फला या कुछ निकला, तो आप तो ये भी नहीं बता सकते उसकी पंखुड़ियां कब निकली। ये प्रकृति है, रहस्य रखती है। कोई ये बता देगा पौधा लगा दे, वो बढ़ने का टाइम बता दो कितना बढ़ा कब बढ़ा, तो आप कैमरा लगाएंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन दिखेगा। तो मिला जुला करके नेचर को ध्यान में रखिए, तो जब नेचर ने ऐसा नहीं बनाया है तो आप कैसे इतना जल्दी कर सकते हैं। तो आप अपना मेहनत करके आप अपने आप को थोड़ा जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा से आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कुछ तुरंत नहीं। देयर आर नो शॉर्टकट टू सक्सेस रियली, नॉट इन म्यूजिक, एवरीवेयर। तो हमारा यही कहना है, पेशेंस रखिए और भगवान पर भरोसा रखिए, गुरु की सेवा करिए और अच्छा हृदय रखिए। अच्छा हृदय होना बड़ा जरूरी है, पाक हृदय नहीं होगा तो ठीक है, कुछ चीजें शॉर्टकट मिलती भी हैं कभी कभार किसी को, तो फिर वो नष्ट भी उसी तरह से होती है। खैर ये मेरा कहने का विषय नहीं है, बस इतना ही मैं कहूंगा कि मेरा जो अनुभव है, सीखने की प्रक्रिया बंद न करें कभी और धैर्य कभी न छोड़ें। आप भगवान पर भरोसा रखें और जो भी अच्छे इष्ट मित्र हैं उनका सहयोग ले, उनसे राय ले और उनका बड़ों का आशीर्वाद ले, उनकी सेवा करें और समाज में अच्छे हृदय से समाज की सेवा करें तो फिर अच्छा होता है। ये भावना लेकर के मैं चल रहा हूँ और लोग भी चले, ऐसी मेरी सोच है जी।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत ही अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। एक बार आप और हम दोनों सब यहाँ हर हर महादेव, हम काशी के हैं जरूर नारा लगाते हैं, तो बोलिए जी 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 हर 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 महादेव को नारा, ऊपर हाथ ऊपर करके करिए, बिना हाथ ऊपर के नहीं होता है, ये सीख लीजिए आज हमसे, हर हर महादेव जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के तुलवार कभी गुलजार नहीं होती, जो शेष करना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।